जैसा देख सकते हैं आज आपके सामने लाए हुंडई की वर्ना। हुंडई की वर्ना 1.6 जैसा आप देख सकते हैं, इसमें हमने ऑनिक्स हेडलाइट का डीआरएल लगाया है। आप डीआरएल का लुक देख सकते हैं, एक ऑनिक्स हेडलाइट का डीआरएल लगने के बाद कैसा लुक आ रहा है। एक वर्ना जो 2014-15 में आई थी उससे मोर देन ज़्यादा बेटर ये हेडलाइट का लुक आता है जब ऑनिक्स डीआरएल लगने के बाद लुक में चेंज होता। और जो प्रोजेक्टर है बाई डिफॉल्ट कंपनी का, उसके अंदर हम लोगों ने हेडलाइट में एलईडी लैंप्स लगाए हैं जो वाइट 6000 केल्विन की 150 वाट्स की आती है एलईडी। फॉग लैंप में भी हमने वाइट एलईडी लैंप्स लगाए हैं, आप फॉग लैंप भी चेकआउट कर सकते हैं। हेडलाइट, फॉग लैंप, डीआरएल, ये फ्रंट लुक से आप देख सकते हैं कि फ्रंट लुक में कितना डिसेंट हेडलाइट और फॉग लाइट का लुक आ रहा है। एक वाइट गाड़ी में डिटेलिंग करने के बाद जो शाइनिंग आ रही है, येलो शेड पड़ जाता है तो वाइट कलर में वो येलो को डिटेलिंग होने के बाद शाइन करने के बाद पेपर से प्योर वाइट कलर दिखने लगता है गाड़ी का। सो इंटीरियर क्लीनिंग हुआ है, बाहर का पॉलिशिंग वर्क हुआ है, हेडलाइट का डीआरएल लगा है, साइड अप प्रोफाइल में इतना बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं है, बट डोर वाइजर लगा है विदाउट क्रोम का, आप देख सकते हैं डोर वाइजर। लोअर गार्निश क्रोम लगा है, एक लोअर गार्निश लगने के बाद जो वही गार्निश पट्टी वेदर स्ट्रिप का लुक चेंज हो जाता है। बाय डिफॉल्ट कंपनी का हैंडल्स क्रोम में आता ही है। और इंटीरियर में हम बात करेंगे, इंटीरियर जैसा आप देख सकते हैं कि एक एम्बियन लाइट लगने के बाद इसका जो लुक आ रहा है आप देख सकते हैं कितना डिसेंट लुक आ रहा है। डोर पैडिंग में लेदर का वर्क हुआ है, कंपनी का जो आता है ये कपड़े का रहता है जो पूरा क्लीन नहीं हो पाता है। अब ये लेदर का लगने के बाद प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग और क्लीन खुद कस्टमर भी कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। एक इंटीरियर क्लीन होने के बाद ये डोर ट्रिम का लुक आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। और फ्रंट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा सेटअप 10 पीस का जो एम्बियन लाइट है, एक डिसेंट इंटीरियर डिसेंट लुक दिख रहा है। फ्रंट डोर पर भी लेदर अपोस्टिक का काम हुआ है, आप देख सकते हैं एक एम्बियन लाइट का जो लुक है नेक्स्ट लेवल का लुक दिख रहा है। ऑटो एंड्रॉइड प्लेयर लगा है, स्टेयरिंग व्हील को रैपिंग किया है, जो स्टेयरिंग व्हील रैपिंग करने के बाद आप लुक देख सकते हैं। सीट कवर इसमें हमने रिप्लेस किया है जो जैगुअर ब्रांड का आता है, एक प्योर लेदर का लुक दिखता है। फिटिंग और फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं कैसा है। डैशबोर्ड का जो क्लीनिंग का वर्क हुआ है आप देख सकते हैं, और मैटिंग जो लगा है इसमें नॉर्मल ग्रास मैट जो आता है रेगुलर कोई भी गाड़ी में आप ऐसे इस टाइप की मैटिंग बिठा सकते हैं। हर एक चीज़ इंटीरियर जो क्लीनिंग का वर्क हुआ है प्रॉपर तरीके से काम हुआ है और एक अलग ही इंटीरियर लॉन्च बन के दिख रहा है। फिटिंग और फिनिशिंग और परफेक्शन की बात करेंगे तो कट टू कट जो ओरिजिनल पैटर्न और ओरिजिनल डिज़ाइन आता है सीट कवर का, डबल स्टिचिंग के साथ में विथ एयरबैग पॉकेट के साथ में दिया है। आप देख सकते हैं ऐसी कोई भी गाड़ी में आप सीट एयरबैग रहेगा तो लगा सकते हैं इसे सीट कवर। बैक साइड का भी सीट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बैक साइड की सीट में आप इसकी फिटिंग वगैरह चेकआउट कर सकते हैं कि किस टाइप से कोई भी जिप वगैरह वाला कवर नहीं है। प्रॉपर तरीके से जो फिटिंग होता है ये प्रॉपर तरीके से आर्मरेस्ट ओपन वाला सीट कवर है, नहीं तो होता है कि बेसिकली लोग जिप लगा के फिटिंग कर देते तो वैसा इस टाइप का काम नहीं है। पूरा प्रॉपर परफेक्शन के साथ में फिटमेंट और इंटीरियर क्लीनिंग का वर्क हुआ है। तो ये गाड़ी एक सिंपल और सोबर वर्क हुआ है ये कार में। इंटीरियर एक्सटीरियर जैसा भी गाड़ी बना है एकदम डिसेंट इंटीरियर बना है और एक्स्ट्रा ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं मालूम नहीं पड़ रहा है। बट आपका भी कोई वरना गाड़ी हो, कोई भी हुंडई की ऐसी गाड़ी हो बनाना हो तो लेके आइए केजीएन ऑटो में, हम आपको स्टेप से बना के देंगे और जैसा आप सोच रहे उस स्टेप से गाड़ी बन के आएगा। तो फ्रेंड ओवरऑल हुंडई वरना का पूरा काम हो चुका है। हमारे फ्रेंड आमिर भाई आप बताना चाहेंगे कस्टमर को कि व्यूअर्स को बताना चाहेंगे हमारे कि कैसा काम हुआ, आपने टाइम एक्सपेंड किया। सलीम भाई को मैं तकरीबन 10 साल से जानता हूँ, इससे पहले काफ़ी सारी गाड़ियों का काम किया। इस बार वरना लिया, सोचा कुछ डिटेलिंग करें, कुछ अपग्रेड करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपग्रेड किया है। बहुत तरीके से हमको सजेस्ट किया कि ये चीज़ें करेंगे तो गेटअप आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह गेटअप बहुत प्यारा आया है। बीट आउटसाइड बीट इनसाइड दिल खुश हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो सोच के आया था उससे काफी बेटर मिला है, बेटर हुआ। तो थैंक यू सलीम भाई। बाकी और भी अदर वजह हमने मार्केट सर्च किया लेकिन हम लोग दिल को मार्केट मतलब पूरा सर्च किया, सुकून नहीं मिला कि काम काफी जगह जगह मार्केट सर्च किया और वन स्टॉप शॉप मिला मुझे सलीम भाई के दुकान पे, एंड इन अ डे काम हुआ। मतलब मैं दोपहर में आया और जुमा का दिन था, जैसे जुमा पड़ गए कहीं मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 घंटे में कहीं और ये काम हो सकता था। इनके पास काफी सारा वास्ट स्टाफ है, हर चीज के लिए अलग स्टाफ डेडिकेटेड था, जिस वजह से मेरा एक ही दिन में मेरा पूरा काम हो गया।
इनफैक्ट एक दिन नहीं, 4 से 5 घंटे में मेरा काम हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसे हमने जुमा पढ़ के आया, जुमा पढ़ने के बाद आए लगे तो फिर गाड़ी कंप्लीट हो गई। आज जैसा भी जो टाइम हुआ, शाम के टाइम रेडी होके गाड़ी घर पे जैसा चाहिए था उससे अच्छा मिला, अच्छा काम हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड आप भी आइए, टाइम एक निकाल के ऐसा 2-4 घंटे का टाइम, छोटा काम हो बड़ा काम हो तो उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करके काम करके देंगे, बट काम की गारंटी है कि खुश हो जाकर आइए, आप नाराज नहीं होंगे, ना मैं हुआ ना आप हो गए। थैंक यू अमीर भाई, शुक्रिया।